नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस नए वीडियो पे। और दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ऐसे जगह पे लेके आया हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे जगह पे खड़ा हूँ जो कि एक डैम है, और डैम के ऊपर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मछली पकड़ा जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत यूनिक तरीक़े से मछली पकड़ा जा रहा है, वो मैं आपको दिखाऊँगा और यहाँ का खूबसूरती के बारे में बताऊँगा। बहुत ही खूबसूरत सा डैम है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये डैम के ऊपर से ही मछली पकड़ा जा रहा है, पानी में उतरने की कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर से ही यहाँ पे नेट छोड़ा जाता है। और ये देखिए, मछुआरे भाई लोग नेट छोड़ता है यहाँ पे ऊपर से ही, और चारों तरफ से ही डैम का पहाड़ी है, और पहाड़ी का अलग ही खूबसूरती है और पहाड़ी का अलग ही कहानी है, वो भी बताऊँगा। एक्चुअली देखने में तो पहाड़ी है, लेकिन ये सारा खान है, नीचे खान है और सारा प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ है जगह। रस्सी बंधा हुआ है डैम के ऊपर, ये देखिए रस्सी बंधा हुआ है डैम के ऊपर, नीचे जाली छोड़ा गया है, यहाँ पे जाली खींच रहा है, शायद मछली अभी दिखेगा। यहाँ पे दूर में देखिए पहाड़ी सब दिख रहा है, वो पहाड़ी सब खान है, कॉपर और यूरेनियम का खान है। ये देखिए मछली पकड़ रहा है, शायद मछली दिखेगा अभी, दो चार मछली लगा है। ये देखिए मछली कम है, दे दीजिए मेरे को, बेचेगा ना, ठीक है दे दीजिए आप। यहाँ पे ताज़ा ताज़ा मछली पकड़ लिया है और हम लोग खरीदेंगे। कैसे करके दे रहे हैं? 120 रुपये किलो है मछली, एकदम ताज़ा जिंदा वाला मछली। यहाँ पे डेली ऐसे ही पकड़ा जाता है और ये दोस्त लोग भाई लोग सब पकड़ता है। बहुत सारा यहाँ पे बंधा हुआ है, देखिए नेट नीचे, अभी फिर से नेट छोड़ रहा है। देखिए ये बहुत ही यूनिक तरीका है मछली पकड़ने का, ये बहुत ही यूनिक तरीका है। मैं ज़्यादा अंदर तरफ नहीं दे रहा मोबाइल, नहीं तो फिर मछली के चक्कर में मोबाइल गिर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये लोग मछली यहाँ पे पकड़ता है और यहाँ पे बेचने के लिए फिर मार्केट लगाता है। ये देखिए, तो अभी मछली दिख गया और मिल गया है, मैं तो एक्चुअली में घूमने आया था तो मिल गया मछली, तो लेके ज़रूर जाऊंगा। कि उधर पहाड़ी है, पहाड़ी सब बहुत ही खूबसूरत है, रोड के ऐसे डैम जैसे पार करेंगे, आगे पहाड़ी एकदम रोड से सटा हुआ है। अगर मैं उधर गया तो अभी थोड़ी देर बाद मैं उधर जाऊँगा तो मैं ज़रूर उसका थोड़ा सा क्लिप ले लूँगा, जो कि आपको देखने में बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए खूबसूरत सा नदी है, यहाँ पे बारिश में पूरा डैम भर जाता है। डैम का दूसरे छोर पे आ गए हैं और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत सा कुर्सी बनाया हुआ है, और यहाँ पे जो भी घूमने आता है वो बैठते हैं। और यहाँ पे एक दुकान है छोटा सा, क्योंकि यहाँ आसपास दुकान नहीं है, यहाँ से जो भी आता है थोड़ा सा कुछ ना कुछ खरीद लेता है। और यहाँ पे बैठने के लिए खूबसूरत सा जगह बनाया हुआ है देखिए, और यहाँ पे दूसरे छोर पर है, और ऊपर देखिए टावर है बना हुआ जो कि गार्ड इस डैम का सेफ्टी के लिए बना हुआ है, जो भी यहाँ पर गार्ड बैठते हैं और यहाँ पर सेफ्टी के लिए है। तो दोस्तों, अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं रूम की तरफ, और मैं देखते हुए यहाँ पे रोड का थोड़ा क्लिप ले रहा हूँ, और साइड में जो पहाड़ी जो डैम से दिख रहा था वो इस पहाड़ी को ही दिख रहा था, और भी पीछे और पहाड़ी है। तो मैं इधर से देखते हुए निकलूँगा और रूम पहुँचूँगा, क्योंकि रूम में भी एक दोस्त है और वहाँ पर कुछ बना रहा है खाना हम लोग के लिए, मेरे लिए पता नहीं क्या बना रहा है, अभी हम लोग पहुँच के देखते हैं। और ये UCI कॉलोनी का गेट है, और फिर हम अभी रूम पहुँच के आपसे फिर मिलते हैं और दोस्त भी मिलाते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मछली लेके डैम से, हम घड़ी पहन के खिचड़ी बना रहे हैं अभी। हाँ, घड़ी पहन के देख के बढ़िया से, घड़ी बहुत अच्छा लग रहा है, नया लिया है तो अच्छा है।
तो इसको मछली को साफ करना हम लोग के पास अभी मतलब हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और बनाना कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बना लेते हैं। तो अभी क्या बन रहा है? साफ नहीं हो पा, बन क्या रहा हम लोग का यहाँ पे? अभी खिचड़ी बन रहा है, यहाँ पे यहाँ सब्जी बन रहा है, अभी खिचड़ी और सब्जी बन रहा है और मछली बनेगा, और एक दोस्त आया हुआ है। हाँ, और एक दोस्त है, सब मिलके अभी टूट पड़ेंगे मछली में। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मछली कैसे साफ हुआ है और कैसा बना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और कुछ बोलना है आपको? लाइक सब्सक्राइब करना जरूर। हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट भी बताइए कैसे कैसे लगा। थैंक यू।